बताइए कि अंदर क्या विचार विमर्श किया गया किसानों की समस्या को लेकर। समस्याओं का और सभी समस्या जो किसानों से संबंधित है, वो बिजली बिल की हो कि बीबीडी योजना को कैंसिल करने की हो कि पोटास हो या यूरिया की अवेलेबिलिटी हो, उस सबके बारे में चर्चा की गई है और अतिशीघ्र सबका समाधान निकालने का आपने वादा किया है और कोशिश जारी कर दी है और एक हफ्ते के अंदर आपका विस्तार जरूर मिलेगा। चाहे बैंक की बातों को चाहे आधार कार्ड हो, ये सब जो जिस प्रकार सब्सिडी खत्म करने की बात चल रही है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास है। और जो ब्लैकमेल होकर आज जो पोटास है, चाहे यूरिया हो, चाहे एनपीके हो, सब उस पर कालाबाजारी हो रही है। सोसाइटी के माध्यम से देने के बजाय प्राइवेट डीलर रेट जहाँ पर 1000 रुपये का लेता हो, कहीं 840 का लेता हो, और वो 1700-1800 में लेकर किसानों का खून चूसने काम कर रहे हैं। और जो समर्थन मूल्य पर खरीदी है, चाहे चना हो, चाहे गेहूं हो, चाहे तुअर हो, इसकी भी समर्थन मूल्य पर खरीदी तुरंत चालू हो, ये काम सभी किसान संगठनों के प्रधान की हमारी सभी की मांग थी। और हमारी बात को यथासंभव कलेक्टर महोदय ने कहा है कि अब एमपीपी वाले हमसे कोई भी प्रकार का कागजात नहीं मांगेंगे। और जो भी अवैध रूप से प्राइवेट डीलरों ने जो माल भर कर रखा है खाद्यान्न का, उसकी जाँच करके किसानों को जो रेट प्रिंट है उसी रेट पर लगाने का काम करेंगे। निराकरण नहीं होगा तो क्या? ये तो सिर्फ अभी लड़ाई थी कोरोना को लेकर, कम किसान आए थे कोरोना काल में, हमने ज़्यादा सभी किसान इकट्ठे नहीं हुए थे। और कभी सरकार या बैठे अधिकारी हमारी बात को नहीं मानते, किसानों के साथ हम सबके साथ नाइंसाफी करते हैं, तो अपने आप उनको दिख जाएगा किसानों की ताकत क्या होती है। दिल्ली की सरकार ने देखी है तो मुख्य सरकार को भी किसानों की ताकत हम दिखाएंगे। बिजली के बिल समर्थन मूल्य पर खरीदी और पूरे जिले में बीमा का नहीं होना, इस बात पे जो अभी तक की चर्चा हुई, हाथ नीचे कर बात करें। इसमें ये किया, ये कहा इस पे तुरंत एक्शन होगा और रासायनिक खाद हाथ नीचे कर यहाँ से वहाँ तक जो है इसके लिए गुप्त कार्रवाई भी होगी और बाकायदा किसानों को किसी प्रकार से हैरान और परेशान नहीं होने दिया जाएगा। समर्थन मूल्य की खरीदी के लिए भी यथा योग्य प्रयास किए जा रहे हैं और यदि कुछ यदि नहीं होगा तो हमने भी अपनी तरफ से कहा कि ये 8 रोज में यदि इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो पूरे जिले के किसान उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे, इसके लिए किसान जवाबदार नहीं होंगे। उसे क्या पहल की जाएगी? देखिए, किसानों की कुछ मांगे हैं जिसमें जो एक शासन की डीबीटी योजना है जिसमें कुछ आधार कार्ड और पत्रक वगैरह किसानों से मांगे जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ किसानों की शंकाएँ हैं। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ केला मुख्य फसल है, केले की मुख्य फसल का बीमा नहीं हुआ है, उसकी भी जो है एक चीज़ है। इसके अलावा जो हमारे बीज उत्पादक संगठन है, उन्होंने जो बीज शासन को दिए थे उसमें उनका भुगतान नहीं हुआ है, और जो कुछ जगह एमपीबी की वसूली को लेकर और बिजली की समस्याएं हैं, और कुछ एक जगह जो है जो हमारी एमओपी खाद है उसकी कमी को लेकर समस्याएं हैं। तो इससे लगभग 5 से 6 बिंदुओं पर किसानों का पूरा डेलीगेशन हमसे मिला है और इसमें कुछ 2 से 3 मुद्दे ऐसे हैं जो जिला स्तर पर जो है किए जा सकते हैं, जिस पर मैंने संबंधित विभाग के लोगों को निर्देश दे दिए हैं, वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। सर, वो एमआरपी से कुछ मुद्दे शासन स्तर के हैं, उन शासन स्तर के मुद्दों पर हम लोग जो है शासन स्तर से लगातार प्रयास करके, मेरे पत्र लिखे हुए हैं, फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके उन मुद्दों के निराकरण का समाधान मैं प्रयास करूंगा। सर, एमआरपी से अधिक मूल्य पर खाद मिलने की शिकायत किसान कर रहे थे बाहर कि पुराना जो प्रिंट है उससे अधिक मूल्य पर बेची जा रही खाद। मुझे ऐसी 7 लोकेशंस किसानों से बताई है जहाँ पर एमआरपी से ज़्यादा रेट पर जो है व्यापारी खाद को सप्लाई कर रहे हैं, तो मैंने हमारा जो अमला है, कृषि विभाग का अमला है, उसको निर्देश दे दिए हैं और मैं साथ में दूसरी टीम्स भी लगा रहा हूँ जो इंश्योर करेगी कि जो हमारी एमआरपी है उसी पे ही जो है खाद का विक्रय हो और विधिवत विक्रय हो, किसानों को उनकी आवश्यकता अनुसार खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।